तो फ्रेंड्स, ये मैच चेन्नई और गुजरात के बीच में होने वाला था। इसमें मैं टीम कैसे बनाया हूँ वो मैं टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देखकर आप लोग भी टीम बना लीजिए और जीतने का ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि मैं टीम बहुत बढ़िया बनाया हूँ, टेलीग्राम पर जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप लोग जो चेन्नई और गुजरात के बीच में जो मैच है उसमें बैकअप प्लेयर कैसे ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं टीम लगाया हूँ उसको पहले देख लीजिए। जो देख सकते हैं फ्रेंड्स, विकेट कीपर में है धोनी है और एक डब्लू साहा है और एक एम वाधा है, एक डी कोनवे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा विकेट कीपर है जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। बैटर में है एस दुबे और एस गिल और एक है आर गायकवाड। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑलराउंडर में है डी शंका और एक ए अली है और एक हार्दिक पांड्या। ठीक है फ्रेंड्स, और बॉलर में रखे हैं डी चहार। तो ये हमारा टीम है फ्रेंड्स, जो आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टीम बनाए हैं वो 100% वर्क कर रहा है फ्रेंड्स, और मैं भी विन कर लिया हूँ इससे। तो आप लोग भी इस तरह से टीम लगाते हैं तो आप लोग भी विन बढ़िया कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं बैकअप क्या क्या ऐड किया हूँ वो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं, बैकअप में मैं एम शाह को रखा हूँ B1 में, और B2 में रखा हूँ आर जडेजा को, और B3 में रखा हूँ राशिद को, और B4 में रखा हूँ ए नहमद को। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं 8.5 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, इस तरह से पॉइंट है। तो बैकअप इस तरह से आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं, मैं इसको ऐड किया हूँ। देख सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बैकअप में रखा हूँ सबसे फेवरेट है 100% चांस है जीतने का। और फ्रेंड्स, ये बैकअप हो गया, टीम भी दिखा दी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसमें बैकअप में हम लोग ले लेंगे किसको किसको, पूरा ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगा और आप लोग भी विन कर पाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं B1 में ले लेता हूँ रशीद खान को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, और फ्रेंड्स जो भी बताता हूँ सही बताता हूँ, कोई फ्रॉड नहीं। ऐसे यूट्यूब पर बहुत यूट्यूबर हैं जो रोज़ है जो लंदफंद बताते हुए रहते हैं, लेकिन मेरा जो है कैरेट रहता है, और जब भी मैं ड्रीम इलेवन पर मैच लगाता हूँ बढ़िया विन करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग को B1 में किसको लिए, रशीद खान को, और B2 में ले लेंगे एम शर्मा को। ठीक है फ्रेंड्स, और B3 में आप लोग को लेना है ध्यान से W शाह को। ठीक है फ्रेंड्स, और B4 में लेना आपको सुधार्शन को। ये चार है जो बैकअप प्लेयर है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ये चार है लेकिन बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे लगाया हूँ आप लोग भी लगाइए और ड्रीम इलेवन में पैसा कमाइए। आप लोग कहाँ हैं, बढ़िया से इसी तरह से आप लोग भी बैकअप लगाकर ड्रीम इलेवन से पैसा कमाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।